दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वालों कि अगर आपकी WhatsApp पर कोई भी पर्सन आपको फोटो वीडियो सेंड करता है, आप उसे WhatsApp में डाउनलोड करते हैं, WhatsApp में देख भी पाते हैं, लेकिन आपकी गैलरी में यानी कि आपके फोन की गैलरी में फोटो वीडियो सेव नहीं होता है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो काफी दोस्तों की प्रॉब्लम होती है कि जब भी WhatsApp पर उन्हें कोई फ्रेंड वगैरह कोई भी पर्सन कोई फोटो वगैरह सेंड करता है तो WhatsApp पर उनका फोटो रिसीव हो जाता है और जैसे उसको डाउनलोड करते हैं तो इस तरह से वो डाउनलोड भी हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद उसको इस तरह से वो देख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद ये फोटो हमें देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है कि WhatsApp में तो हमें फोटो देखने को मिल रहा होता है, लेकिन जब अपने फोन की गैलरी को ओपन करते हैं, जैसे कि चलिए मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, गैलरी को ओपन करते हैं तो हमारे फोन की गैलरी में फोटो वीडियो सेव नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फोटो जो भी WhatsApp में डाउनलोड किया था वो मेरी गैलरी में भी सेव हो रहा है, लेकिन काफी दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो WhatsApp में तो अपने फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन गैलरी में उनका फोटो सेव नहीं होता। तो अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम है कि WhatsApp पे कोई भी फोटो को आप डाउनलोड कर रहे हैं उसे WhatsApp में देख पा रहे हैं लेकिन आपके फोन की गैलरी में वो सेव नहीं हो रहा है, अपने WhatsApp के सभी फोटोज और वीडियोज को अपने फोन की गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि WhatsApp पर आपके फ्रेंड आपको कोई फोटो वीडियो सेंड कर रहे हैं या कोई और पर्सन आपको कोई फोटो वीडियो सेंड कर रहा है वो WhatsApp में आप देख पा रहे हैं लेकिन आपके फोन की गैलरी में सेव नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या दोस्तों कि आपको सिंपली सबसे पहले अपने WhatsApp की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। WhatsApp की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपकी सभी चैट वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको करना क्या दोस्तों कि ऊपर की साइड आपको थ्री डॉट पे चले जाना है, थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको बॉटम पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको सेटिंग पे चले जाना है। अब सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि अकाउंट प्राइवेसी अवतार चैट नोटिफिकेशन वगैरह, तो आपको चले जाना है यहाँ पर डायरेक्ट चैट वाले ऑप्शन में। अब चैट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मीडिया विजिबिलिटी। अगर आपके में इस तरह से ऑफ हो जाएगा या गलती से आपने ऑफ कर दिया होगा तो उसके बाद कोई भी फोटो वीडियो आपके WhatsApp में तो डाउनलोड होगा, वहां पे आप उसे देख भी पाएंगे लेकिन वो फोटो वीडियो आपके फोन की गैलरी में सेव नहीं होगा। इसलिए अगर आपके फोन की गैलरी में आपका फोटो वीडियो WhatsApp का सेव नहीं हो रहा है तो आपको इस बटन को ऐसे ऑन कर देना है। जैसे आप इस बटन को ऑन कर देंगे तो उसके बाद आपके WhatsApp पर जो भी फोटो वीडियो आप डाउनलोड करेंगे जो भी रिसीव आपको होगा वो आपके फोन की गैलरी में भी सेव हो जाएगा। दोस्तों ये तो प्रोसेस हो गया कि अगर आपके WhatsApp पर किसी भी चैट में कोई फोटो वीडियो आ रहा है और वो आपकी गैलरी में सेव नहीं हो रहा तो उसे आप किस तरह से सोल्व करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि आपका यह ऑप्शन भी यहाँ पे इनेबल है और आपकी बाकी सभी चैट के फोटो वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो रहे हैं लेकिन किसी एक चैट के फोटो वीडियो आपकी गैलरी में सेव नहीं हो रहे, तो उस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सोल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको बैक ले लेना है, बैक लेने के बाद आपको उस चैट को ओपन कर लेना है जिस चैट के फोटो वीडियो आपकी गैलरी में सेव नहीं हो रहे। इस तरह से आपको चैट ओपन करना है, चैट ओपन करने के बाद आपको चले जाना है ऊपर जो नेम नजर आता है नेम पे टैप करेंगे, नेम पे टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है तो यहाँ पर आपको मीडिया विजिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। उसी तरह से आपको इसको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इसको डिफॉल्ट पे या यस पे कर देना है। अगर आप इसे यहाँ से नो कर देंगे तो इस चैट में जो भी फोटो वीडियो आपको सेंड होंगे वो आप WhatsApp में तो देख पाएंगे लेकिन आपके फोन की गैलरी में सेव नहीं होंगे। कि जितने भी चैट से आपके पास फोटो वीडियो आएंगे वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगे क्योंकि हमने मेन सेटिंग में जाके मीडिया विजिबिलिटी को एनेबल कर दिया है। अगर आपकी कोई एक चैट ऐसी है जिसमें कि आपको फोटो वीडियो आपकी गैलरी में सेव नहीं हो रहे तो आपको उस चैट को ओपन करके यहाँ पे चेक कर लेना, अगर वो नो पे है तो उसको आपको यस पे डिफॉल्ट पे कर देना है। बस दोस्तों इतना सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपके WhatsApp पे या किसी भी चैट में कोई भी फोटो वीडियो आप डाउनलोड करेंगे तो आपके फोन की गैलरी में भी सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।